मैं रेखा जैन लीड चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। शराब दुकानदार नियमों की खुलेआम उड़ा रहे हैं धजिया। मन की बात का 54वां अंक प्रसारित, सभी मंडलों पर हुआ प्रसारण। निशुल्क एशियन हैंड एंड नेक कैंसर शिविर का किया आयोजन। पंचायत सहायक संघ ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। शिवसेना नियुक्त ग्राम प्रमुख का किया स्वागत। ड्रग्स अब्यूज विषय पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। चेन्नई में सनातन धन विद्यालय द्वारा निकाली प्रजना रैली। और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए की पूजा अर्चना। अब समाचार विस्तार से। शराब दुकानदार नियमों की खुलेआम उड़ा रहे हैं धजिया। आबू रोड से लेख अहमद की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शराब की दुकानों को नेशनल एवं स्टेट हाईवे से हटाकर अन्य स्थानों पर लगवाया गया, जिसका भी रहवासी क्षेत्रों की महिलाओं एवं विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रकटन किया गया, लेकिन सरकार एवं आबकारी विभाग ने किसी की नहीं सुनी और शराब दुकानदार बेखौफ होकर शराब बेच रहे हैं। सरकार द्वारा शराब बेचने का एक समय निर्धारित किया गया है, लेकिन यह दुकानदार अपने फायदे के लिए सभी नियमों को ताक पर रखकर नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जबकि इस बारे में आबकारी विभाग के अधिकारियों को अवगत है, लेकिन इनकी चुप्पी उनका हौसला बढ़ा रही है। मानपुर आकार भट्टा तरतोली स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान संचालित है, जो कि शनिवार की देर रात्रि को करीबन 11 बजे के समीप अपनी दुकान का आधा शटर खोलकर शराब बेच रहे थे, और वो भी अधिक कीमत पर लेकर। शनिवार की देर रात्रि को गुजरात के पर्यटक अपने वाहनों से वहां होकर गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने शराब की दुकान का बोर्ड देखा और शराब लेने की इच्छा जाहिर की। इसी दौरान दो वहीं के निवासी युवक आए और शराब दिलाने का कहने लगे। दोनों युवकों को दुकान का शटर बजाय दुकानदार ने आधा शटर खोलकर उन दोनों युवकों को शराब दी। वही युवकों द्वारा रुपए देने पर दुकानदार द्वारा ज्यादा रुपए मांगने पर दोनों युवक दुकानदार से उलझ गए। इस पर दुकानदार ने कहा कि दुकान बंद होने के बाद शराब इसी कीमत पर मिलेगी, लेनी हो तो लो वरना यहाँ से चले जाओ। वहाँ खड़े होकर कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया और दुकानदार की शिकायत करने की बात कही, तो दुकानदार ने कहा कि आबकारी विभाग एवं अन्य अधिकारियों को हफ्ता जाता है। शहर सहित अन्य जगहों पर शराब की दुकानदारों की आय दिन, पर्यटक एवं शहर के लोगों द्वारा शराब की अधिक दाम लेने व अभद्र व्यवहार की शिकायतें की जाती हैं, लेकिन नाम मात्र की कार्यवाही कर संतोष कर लिया जाता है। शराब दुकानदार के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं होने से इनके हौसले बुलंद होते रहे हैं। मन की बात का 54वां अंक प्रसारित, सभी मंडलों पर हुआ प्रसारण। सिरोही से विजय प्रकाश वैष्णव की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा मासिक रूप से प्रसारित लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 54वां अंक अर्थात नवीन कार्यकाल का प्रथम अंक नए जोश के साथ रविवार को प्रातः 11 बजे से 11:30 बजे तक प्रसारित किया गया। भाजपा प्रदेश नेतृत्व एवं जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित के निर्देशानुसार सिरोही जिले के सभी मंडल अध्यक्ष प्रभारी एवं प्रमुखों से आग्रह किया कि अपने अपने मंडलों में पूर्व की भांति अधिक से अधिक स्थानों में मन की बात के सार्वजनिक आयोजन की व्यवस्थाएं करवाएं। जिलाध्यक्ष ने बताया कि अपने अपने मंडलों में निवास कर रहे पार्टी राष्ट्रीय प्रदेश जिला नगर पदाधिकारी सांसद विधायक सभी जनप्रतिनिधियों सदस्यों को आमंत्रित किया गया। इस सदस्य में मन की बात प्रचारण के कार्यक्रम तय करके जिला संयोजक को रिपोर्टिंग की गई। उक्त कार्यक्रम में पूर्व विधायक कोटाराम देवासी, जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित, जिला प्रमुख पायल परसराम पुरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी, जिला संयोजक मांगू सिंह बावली, प्रदेश कार्यालय प्रभारी सुनील व्यास, नगर संयोजक प्रकाश पटेल, नारायण देवासी, मीडिया प्रभारी चिराग रावल, रमजान खान, जब्बर सिंह, रणछोड़ पुरोहित, मानव जी सोनी सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजन पर सिरोही के संगठन के सभी पदाधिकारियों ने, यहाँ पर सभी ने आज मन की बात प्रोग्राम का पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ और उसके अंदर सबने आज देखा। और मन की बात प्रोग्राम के अंदर जो आज मोदी जी ने जो बातें कही, उससे ऐसा महसूस हुआ कि देश एक प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, और जो उनकी योजनाएं गरीबों के प्रति, प्रताड़ित लोगों के प्रति, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, प्रत्येक जन के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई है, वो जनता को कितना आगे आने वाले समय में फ़ायदा पहुँचाएगी। तीन महीने के अंतराल के बाद आज मन की बात में मोदी जी के विचारों को सुनने का पुनः मौका मिला।
पिछले कई वर्षों से मन की बात में जो हमें बातें सुनने को मिली उनको हमने चरितार्थ किया। स्वच्छता अभियान आज पूरे भारत में फैला है, हर जगह लोग स्वच्छता के महत्व को समझने लगे हैं। आज 99% लोग स्वच्छता को ध्यान रखते हैं, जा रहे हैं ट्रेवलिंग में जा रहे हैं तो भी उसको अपन ध्यान रखते हैं। आज उन्होंने दूसरा विषय जल के महत्व को समझाया, जल ही जीवन है वो स्रोत उन्होंने आज दिया। मन की बात है, मन की बात से प्रेरणा मिलती है कि जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने चलाया था और जल शक्ति जो मंत्रालय बनाया है उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आने वाले समय में जल शक्ति मंदिर मंत्रालय जो बनाया उसमें आने वाले समय में जल की महत्ता को कैसे तय की जाए ताकि आज की तारीख में सब जगह सबसे बड़ी जल है तो कल है, जल ही जीवन है, इसको लक्ष्य लेकर के आने वाले समय में हमको सब कुछ चलना चाहिए। जैसे शब्द से ही हमें पता लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री महोदय नहीं, प्रधान सेवक हमारे देश का, जो सेवा करने के लिए हमारे देश में जिन्होंने पद संभाला है, वो अपने मन की बात करना चाहते हैं अपने देशवासियों से, अपने लोगों से, क्योंकि वो ये मानते हैं और ये जानते हैं और ये बड़ी बातें समझते भी हैं कि कोई भी इंसान अकेला कोई काम नहीं कर सकता। जब तक हम सभी एकजुट होकर एक साथ होकर कोई निश्चय नहीं करेंगे, कोई काम करने का मन नहीं बनाएंगे, हम कोई प्रण नहीं लेंगे, वही अब वो हर महीने ये बात अपने मन में जो उनके जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो बातें जो विचार उनके अंदर से आते हैं कि हमें हमारे देश के हित के लिए क्या करना चाहिए, हमें हमारे लोगों के हित के लिए क्या करना चाहिए, हमें हमारे लिए क्या करना चाहिए, वो अपने देशवासियों के समक्ष। निःशुल्क एशियन हैंड एंड नेक कैंसर शिविर का किया आयोजन, स्वरूपगंज से माधुराम प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार। मानव सेवा समिति स्वरूपगंज एवं एशियन हैंड एंड नेक कैंसर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को विशाल निशुल्क एक दिवस शिविर की भरत कश्यप ने बताया कि शिविर में 75 व्यक्तियों को रोग निदान किया गया, जिसमें 4 व्यक्तियों को कैंसर होने की जानकारी दी। इन 4 व्यक्तियों की जांच एशियन हैंड एंड नेक कैंसर संस्था द्वारा की जाएगी, जिसमें दांत, मुंह व चेहरे के गले एवं ध्वनि यंत्र कैंसर, थायराइड कैंसर संबंधित रोगों की जाँच, परामर्श, निदान एवं कैंसर संबंधित संपूर्ण जानकारी निशुल्क प्रदान की गई। वहीं डॉक्टर के परामर्श पर मरीजों के संबंधित कैंसर के मुख्य लक्षण की जानकारी दी। जीभ का पूरा बाहर नहीं आना, बोलने में कठिनाई, मुंह एवं गले में कोई सूजन सहित लक्षणों की जानकारी दी गई। शिविर में स्थानीय डॉक्टर रामलाल, डॉक्टर सुमित शर्मा, संस्था के डॉक्टर भागर गुप्ता, सर्जन डॉक्टर हिमांशु वर्मा, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर परवेज मेमन, भरत कश्यप, राम अवतार सिंह ने अपनी सेवाएं दी। शिविर के दौरान मानव सेवा समिति की ओर से सावरलाल अग्रवाल, गजेंद्र अग्रवाल, भरत प्रजापत व समाज सेवी गोर्धन मोहित सा मौजूद रहे। आयोजक समिति के भरत कश्यप ने बताया कि संस्था की ओर से सिरोही जिले की 5 तहसील में शिविर का आयोजन किया जाएगा। करना ये चाहती है कि कैंसर को जल्द पहचान है, स्टेज 1-2 में पहचान के कैंसर की ट्रीटमेंट करवा लें तो उससे पेशेंट की लाइफ और उसके पेशेंट की जीवन पे कोई असर नहीं रहती है। हाँ, कैंसर एक बार ज़्यादा फैला और शरीर के अंदर पहुंच गया तो फिर कोई बचा नहीं सकता। तो एशियन हेडन ने काम यही करना चाहती है कि कैंसर को जल्दी पहचान के उसकी जल्दी ट्रीटमेंट करवाना चाहती है। पंचायत सहायक संघ ने विधायक को सौंपा ज्ञापन, भिंडवाड़ से राकेश रावल की रिपोर्ट के अनुसार। पंचायत सहायक संघ विद्यार्थी मित्रों ने रविवार को विभिन्न मांगों को लेकर विधायक समाराम गरासिया ज्ञापन सौंपकर विधानसभा से मांग उठाने को कहा। ज्ञापन में पंचायत सहायकों का कार्यकाल निरंतर रखने एवं मानदेय वृद्धि नियमितीकरण की मांग की, जिसमें बीजेपी सरकार ने पूरे राजस्थान में हर पंचायत में 3 पंचायत सहायक लगाए थे। कांग्रेस सरकार आते ही उन्हें निरंतर नहीं रखा, जिससे पंचायत सहायकों की रोजी रोटी पर संकट आ गया। वही कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में यह कहा था कि हमारी सरकार बनती हम स्थायी कर देते, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार घोषणा पत्र ने लिखे वायदे पूरे नहीं किए, पंचायत सहायक बेरोजगार हो गए। पंचायत सहायकों ने कहा समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन के तहत 8 जुलाई को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर पिंडवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह, ओम प्रकाश रावल, विकास मुकेश सहित कई पंचायत सहायक मौजूद थे। जो पूरे राजस्थान प्रदेश में हमारी सरकार में जिस प्रकार से पंचायती सहायक लगाए थे और उनको स्थायी करने के लिए
हमारी सरकार पूरी प्रयासरत थी, पर कारणवश सरकार नहीं बनी। लेकिन इस सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तब आपको हम स्थायी करेंगे, और कारणवश कांग्रेस की सरकार बनी और इनका कार्यकाल साल भर ही खत्म कर दिया और आश्वासन झूठा साबित हुआ। ये सरासर भेदभाव कर रहे हैं, जनहित में भावना न रखते हुए जिस प्रकार से पैरा टीचरों को कांग्रेस सरकार ने लगाए थे, और जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हमारी सरकार बनी तब उनको हमने स्थायीकरण किया। और जब भी कभी भी ये जो कह रहे हैं कि ये मतलब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जबकि इस प्रकार का ये नहीं है, ये बिल्कुल मेरिट के आधार पर ही मतलब इनको चयन किया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है छोटे से ब्रेक का। अध्यापन का ध्यान देना चाहिए। विद्यालय के प्रिंसिपल जयसिंह राजपूत ने अतिथि मुकेश बोहरा का
आभार प्रदर्शन करते हुए छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। चेन्नई में सनातन धर्म विद्यालय द्वारा निकाली प्रजना रैली। चेन्नई से बॉक्सिंग बागरा की रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई में शनिवार को साहूकार पेट क्षेत्र स्थित सनातन धर्म विद्यालय द्वारा प्रजना रैली का आयोजन किया गया। सुबह निकाली जागरूकता रैली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, वृक्ष बचाओ वृक्ष लगाओ, जल बचाओ अभियान, यातायात नियमों का पालन, प्लास्टिक मुक्त भारत, रक्तदान महादान, व्यसन मुक्त जीवन आदि विषयों पर समाज में जागरूकता लाने के लिए संदेश लिखी तख्तियां एवं छात्रों ने जागरूक किया। रैली को मुख्य अतिथियों द्वारा हंडी सनातन धर्म विद्यालय के साथ लायंस क्लब ऑफ मद्रास, सेंट जॉर्ज सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ अर्बन बेबी चाइल्ड, आर्ट एंड साइंस कॉलेज फॉर वुमेन, यूथ रेड क्रॉस एवं फ्लावर बाजार पुलिस के संयोजन से अपने आप में अनूठी इस रैली में सर्कल पर बालिकाओं द्वारा हेलमेट जागरूकता को लेकर एक नृत्य मंचन किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जागरूकता अभियान को लेकर भी नाटिका प्रस्तुत की गई। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए की पूजा अर्चना। चेन्नई से बॉक्सिंग बागरा की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को चेन्नई के साहूकार पेट क्षेत्र में तुलसिंगम स्ट्रीट स्थित राजेश्वर भवन में प्रवासियों द्वारा इंद्रदेव को प्रसन्न करने को लेकर पूजा अर्चना की गई एवं इंद्रदेव को मनाया। इस अवसर पर पंडित जयेश कुमार दवे ने विधिक मंत्रोच्चार कर विशेष धूप दीप एवं पूजा अर्चना की तथा चेन्नई महानगर समेत समस्त तमिलनाडु एवं संपूर्ण भारत की अच्छी वर्षा की कामना की। इस अवसर पर किशन राज गजानी, हरकाराम चौधरी, बक्सिंग बागरा, डार्विन शर्मा, चंद्र प्रकाश जैन, मुड़ाराम माली, पारसमल प्रजामत, महेंद्र निर्वाक, खिमराम रावल, कुलदीप खंडेलवाल आदि मौजूद थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।